अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आके ब्लिक्स में आपको खुशामदीद। तो जनाब, T20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान गयाना प्रोविडेंस स्टेडियम में खेला जाएगा। आसान सा लफ्ज है, लेकिन मैच की सिचुएशन बड़ी जबरदस्त किस्म की है, क्योंकि एक तरफ है इंडिया, एक तरफ है इंग्लैंड, और बदला लेना है 10 नवंबर 2022 का, जहां पर एडिलेड के मैदान में इंग्लैंड ने इंडिया को शिकस्त नहीं दी थी, बल्कि उनको रोन डाला था, पाओं के नीचे दे के ना मलिया मेट करता सी गोरिया ने हिंदुआनों। तो अब इंडियन टीम उसको जो है बदला लेने के लिए बड़ी बेताब है, और इंडियन मीडिया अभी से जो है ना वो इसको वो वाला रुख दे रहा है कि हम जो है ना 10 नवंबर 2022 का बदला 27 जून 2024 को लेंगे। तकरीबन 2 सालों के बाद जो है वो इंडिया और इंग्लैंड की टीमें T20 फॉर्मेट में मद्दे मुकाबले आ रही हैं। लास्ट टाइम जब ये मद्दे मुकाबले आए थे, तब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ही मद्दे मुकाबले आए थे 2022 के, जहां पर इंग्लैंड ने 10 विकेटों से कामयाबी हासिल की थी। वो वाला जो जख्म है ना, वो जख्म अभी तक इंडिया के जिस्म पे है, और वो जख्म जो मर्जी पायोडीन लगा लें, मूव लगा लें, आउच लगा लें, जो मर्जी लगा लें, वो जख्म नहीं धुलेगा। जख्म एक ही तरीके से धुल सकता है कि आप इंडिया, आप इंग्लैंड को जो है वो शिकस्त दें सेमीफाइनल में। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, मुझे लग रहा है जिस तरह वो 2022 में कुदरत के निजाम ने पाकिस्तान का साथ दिया था, यहाँ पर कुदरत का निजाम जो है वो इंडिया के साथ है। वो कैसे भला? वो ऐसे कि जनाब, बारिश की बेतहाशा किस्म की प्रेडिक्शन है। मैं अभी आपको आगे जाके दोनों टीमों के हेड टू हेड भी बताता हूँ, फिर दोनों टीमों के रिकॉर्ड्स भी बताता हूँ, फिर इस ग्राउंड में क्या कुछ हुआ वो भी बताता हूँ। लेकिन जो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है बारिश। बारिश की प्रेडिक्शन की गई है, और बारिश की प्रेडिक्शन कोई 1-2 घंटे नहीं की गई, बारिश की प्रेडिक्शन 8 घंटे की गई है। 8 घंटे बारिश होगी गयाना में मैच वाले दिन। ठीक है, अब मैच वाले दिन जो बारिश होनी है, मैं आपको रेशियो बता देता हूँ। सुबह 10:30 बजे मैच शुरू होना है, मतलब सुबह 10:30 बजे वहां के वेस्ट इंडीज से, गयाना के, हमारे इधर इंडिया के जो होंगे वो 8 बजेंगे, पाकिस्तान के 7:30 बजेंगे। तो जनाब 10 बजे सुबह, उधर के सुबह 10 बजे 66% चांस है बारिश का। 1 घंटा आगे चले जाएं 11 बजे, तो 11 बजे ये परसेंटेज जो है ये कम नहीं होती, ये ज्यादा हो जाती है, 75% बारिश है। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि इस मैच का, इस बड़े मैच का, इस इंपॉर्टेंट मैच का जो स्टार्ट होगा, जो टॉस होगा, वो तखीर का शिकार होगा, वो डिले होगा। चलें अब 11 से बढ़ के 1 घंटा आगे चलते हैं 12 बजे। 12 बजे जनाब 49% बारिश है। अब 1 घंटा और आगे चले जाते हैं, 1 बजे जो है 34% बारिश है। फिर एक और घंटा आगे चले जाते हैं, 2 बजे जो है 51% बारिश है, और ये 51% बारिश शाम 5 बजे तक रहेगी। इसका मतलब सुबह 10:30 से लेकर शाम 5 बजे तक मुसलसल बारिश है, और ये मैच इंटरप्शन होगी। अगर बारिश कहीं बीच में रुकती भी है, तो गयाना में आपके पास सुपर सॉपर्स नहीं है, ना वहां पे ड्रेनेज सिस्टम इस तरह का है कि आप दस्ती पानी को उठा सकें, तो इस दस्ती पानी को ना हटाने के बाद इंडिया की टीम दस्ती पहुंचेगी फाइनल में। मतलब वो कुदरत का निजाम जो है ना, अब खेल रहा है इंडिया के साथ। अब इंडिया जो है और वो पहुंच गया है, मतलब अगर मैच नहीं होता तो ये, क्योंकि रिजर्व डे नहीं रखा गया, इस पे काफी जो है वो आवाजें उठ रही है। नासिर हुसैन ने आवाज उठाई है कि दूसरे T20 में रिजर्व डे नहीं रखा गया, क्योंकि पहले दूसरे सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं रखा गया, क्योंकि पहले जो है सेमीफाइनल में रिजर्व डे रखा गया है, मतलब जो अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान होना है सुबह 5:30 बजे, यानी कि पाकिस्तान के 5:30 बजे, उसमें रिजर्व डे रखा गया है, लेकिन दूसरे सेमीफाइनल में रिजर्व डे नहीं रखा गया, जो कि सवालिया निशान है। और इंग्लिश क्रिकेट मीडिया भी, इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड भी, इंग्लिश मीडिया भी इस चीज पे आवाज उठा रहा है कि व्हाट इज दिस बिहेवियर आईसीसी, व्हाट इज दिस बिहेवियर, क्या ये किसी गली मोहल्ले की कोई टूर्नामेंट हो रहा है या कोई गली मोहल्ले का टूर्नामेंट है? जनाब आईसीसी का टूर्नामेंट है, और आप इतने बड़े मैच में रिजल्ट नहीं रख रहे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? आपने इंडिया को अगर वैसे ही आगे पहुंचाना, उनको वैसे फाइनल खिलवा दें और उनको वर्ल्ड कप जितवा दें। बहरहाल, ये आपको मैंने बारिश का जो है वो हालातों वाकयात बताए। दोनों टीमें पहुंची किसने है वो आपको थोड़ा सा मैं शेयर कर देता हूँ। दोनों टीमें जो है बेहतरीन किस्म की फॉर्म से पहुंची हैं आगे। इंडिया अभी तक अनबीटन रहा है पूरे टूर्नामेंट में, इनके कनाडा के साथ मैच था, आयरलैंड के साथ मैच था, कनाडा के साथ मैच जो है बारिश की नजर हुआ, आयरलैंड को हराया, यूएसए को हराया, पाकिस्तान को हराया, अफगानिस्तान को हराया, बांग्लादेश को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, और पहुंचा है सेमीफाइनल में, और अपने ग्रुप में
टॉप किया है, राउंड मैचेस में भी टॉप किया है, सुपर एट राउंड में भी टॉप किया है। इस तरह इंडिया की टीम जो है अनबीटन रन से पहुंच रही है और उनकी बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग कमाल है, पूरा पैकेज है। मतलब आप किसी बात पे तनकीद ही नहीं कर सकते, आपकी कोई एलिमेंट निकाल ही नहीं सकते आप ओपनिंग पार्टनरशिप। हाँ विराट कोहली की फॉर्म जो है वो तश्वीश का शिकार है, लेकिन भाई विराट कोहली विराट कोहली है, विराट कोहली किसी आम बंदे का नाम नहीं है, विराट कोहली एक ब्रांड है। उसके 3 मैच खराब हो गए, 4 मैच खराब हो गए, पूरी दुनिया जानती है विराट कोहली जो है बड़े मैच का प्लेयर है, तो कोई पता नहीं पाइंड इंग्लैंड इंग्लैंड अगर मैच हो गया तो इंग्लैंड वो पथुपा दे, ठीक है ना, वो इंग्लैंड को लटा दे नीचे, कोई भी कुछ भी कह सकते हैं। फिर रोहित शर्मा ने जिस तरह सेमीफाइनल वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी बॉलिंग लाइनअप को मारा है, फिर मिडल ऑर्डर भी परफॉर्म कर रहा है, सूर्या कुमार फॉर्म में है, हार्दिक फॉर्म में आ गए हैं, स्पिनर्स की बात करें स्पिनर्स बेहतरीन फॉर्म करके अच्छा खेल रहे हैं, जडेजा है, अक्षर पटेल है, कुलदीप है, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स जो है वो इंडिया के पास है। फास्ट बॉलर्स की बात करें तो फास्ट बॉलर में जसप्रीत बुमराह का तो कंपैरिजन ही कोई नहीं है भाई, जसप्रीत बुमराह का कंपैरिजन ही कोई नहीं है पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया से कोई कंपैरिजन नहीं है। अर्शदीप भी परफॉर्म कर रहे हैं, हार्दिक भी परफॉर्म कर रहे हैं, तो प्रॉपर एक मुकम्मल पैकेज है इंडिया की टीम। अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड की टीम का जो सफर है वो हचकोले खाता रहा है। शुरू में स्कॉटलैंड के खिलाफ जो है वो मैच बारिश की नजर हुआ, 1 पॉइंट मिला, फिर ऑस्ट्रेलिया से हारे, उसके बाद बड़ा मुश्किल था ऑस्ट्रेलिया के लिए इंग्लैंड के लिए कि वो आगे को थ्रू करता, लेकिन वो अपनी फॉर्म अपनी डेवेस्टेटिंग किस्म की परफॉर्मेंस के बाइस जो है गो थ्रू करता गया। और इवन सुपर एट में उसको साउथ अफ्रीका से शिकस्त हुई थी, उसके बावजूद यूएसए को उसने बड़े मार्जिन से रहा, वेस्ट इंडीज के खिलाफ कामयाबी हासिल की और अब सेमीफाइनल खेल रही थी। अब जरा इस ग्राउंड की बात करूं, इंग्लैंड और इंडिया के हेड टू हेड स्टेट्स की बात करूं, टी ट्वेंटी में हेड टू हेड की बात कर रहा हूं, इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 8 मैच जीते हैं। अच्छा तो पहले मैं आपको मैच टोटल बता दूं, 23 मैच हुए हैं जनाब, 23 मैच हुए हैं दोनों टीमों के दरमियान, 23 T20 मैच, जिसमें से 12 मैचेस जो हैं वो जीते हैं इंडिया ने, 11 मैचेस जीते हैं इंग्लैंड ने, तो हेड टू हेड इनका तकरीबन बराबर है, 1 मैच का डिफरेंस है, मतलब 1 गोल के साथ इंडिया को बढ़तरी हासिल है। अच्छा अब इनको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करता हूँ, एलैबोरेट ये करता हूँ कि इंडिया की टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 8 बार कामयाबी हासिल की है इंग्लैंड के खिलाफ, जबकि इंग्लैंड ने इंडिया के खिलाफ पहले बैटिंग करते हुए 23 मैचों की बात कर रहा हूँ उसमें 3 मैचों में कामयाबी हासिल की है, और 8 बार इंग्लैंड की टीम चेजिंग साइड, जब उन्होंने चेज किया तो 8 मरतबा इंग्लैंड इंडिया को जो है उन्होंने मात दी है, जबकि चेज में इंडिया की टीम का रेशियो जो है वो कम है। इंडिया की टीम इंग्लैंड के खिलाफ चेज करते हुए 4 मैच जीती है। हाइएस्ट टोटल की बात करें टी ट्वेंटी में इन दोनों के दरमियान, तो हाइएस्ट जनाब इंडिया का 224 है जबकि इंग्लैंड का 215 है। लोएस्ट टोटल की बात करें तो इंडिया का लोएस्ट टोटल इंग्लैंड के खिलाफ 120 है जबकि इंग्लैंड का इंडिया के खिलाफ 80 स्कोर है। और सबसे बढ़ के क्योंकि कंडीशंस भी मैं बताता हूँ गियाना की कैसी हैं, यहाँ पर हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज जो इंग्लैंड और इंडिया के दरमियान 23 T20 के दिन में हुआ है वो इंडिया ने 201 रन का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज किया है जबकि इंग्लैंड ने 181 रन का हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज किया है। अच्छा जी यहाँ पर अब मैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की आपकी आपको बताऊं तो यहाँ पर जनाब विराट कोहली और जॉस बटलर जो है वो छाए हुए हैं। हाईएस्ट रन स्कोरर सूर्या कुमार यादव है जिन्होंने एक इनिंग में 117 रन बनाए, एलेक्स हेल्स ने 86 रन बनाए। सबसे ज्यादा रन जो है वो विराट कोहली ने बनाए हैं इंडिया की तरफ से 639 जबकि जॉस बटलर ने 475। सबसे ज्यादा छक्के जो है इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने मारे हैं 18 जबकि जॉस बटलर ने 21 छक्के मारे हुए। सेंचुरी किसी ने इंग्लैंड की तरफ से किसी ने नहीं बनाई जबकि इंडिया की तरफ से सूर्या कुमार यादव, के राहुल और रोहित शर्मा ने एक एक सेंचुरी बनाई है इंग्लैंड के खिलाफ। बॉलिंग में युजवेंद्र चहल जो कि इस प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पा रहे उनकी 16 विकेटें हैं जबकि क्रिस जॉर्डन की 21 विकेटें हैं। तो जनाब ये तो हो गया इंडिविजुअल जो स्टैट्स वो आपको मैंने बताए। अब इस गयाना स्टेडियम में जो रिकॉर्ड्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो गयाना स्टेडियम में रिकॉर्ड्स में 18 मैचेस खेले गए हैं, 18 T20 मैचेस खेले गए हैं। पहले बैटिंग करने वाली टीम 6 मरतबा कामयाब रही है जबकि दूसरी दफा बैटिंग करने वाली टीम 9 मैचों में कामयाब ठहरी है। हाईएस्ट टोटल यहां पर 191 है यानी कि 191 इंग्लैंड ने बनाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ 2010 में जबकि लोएस्ट टोटल 39 रन है जो इसी वर्ल्ड कप में बना है वेस्ट इंडीज के खिलाफ युगांडा ने 39 रन बनाए और पूरी टीम जो है वो मलियामेट होगी। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज 169 for 5 in 18.2 hours by West Indies versus बांग्लादेश
यानी कि हाई स्कोरिंग ग्राउंड ये नहीं माना जाता, 169 हाईएस्ट यहाँ पे जो है वो स्कोर है। तो ये तो मैंने आपको बताया गयाना कि इंडिया इस स्टेडियम में 3 मैचेस खेल चुका है, 2 दफा कामयाब, 1 दफा शिकस्त रही है, जबकि इंग्लैंड की टीम गयाना में 2 मैचेस खेल चुकी है, एक नो रिजल्ट रहा है और एक में इसको शिकस्त मिली है, यानी कि इंग्लैंड इस ग्राउंड में कामयाबी हासिल नहीं कर सका। तो जनाब ये स्टैट्स थे। अब गयाना की पिच की बात करें तो अगर तो मैच हो जाता है तो मैच इधर जो है लो स्कोरिंग मैच होगा, जिसमें रोहित शर्मा ने भी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो 4 स्पिनर्स को खिला सकते हैं। रोहित शर्मा ने कहा है कि 4 स्पिनर्स को खिला सकते हैं, इसका मतलब स्पिनिंग ट्रैक होगा, फुल टाइम लो स्कोरिंग मैच होगा, बैट फर्स्ट एंड विन द मैच, लग तो यही रहा है जिसना की पिच है, क्योंकि टर्निंग बाउंस है, लो बाउंस है, शार्प टर्न होता है यहाँ पर, जो पावर प्ले है वो बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का यहाँ पे होना चाहिए। जो टीम पावर प्ले में तेज खेल जाएगी वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट कर सकती है, चाहे वो बैटिंग फर्स्ट हो या चाहे बैटिंग बैटिंग सेकंड हो। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होने वाला है, लेकिन बारिश इस रंग में भंग डालने को भी तैयार है, और अगर बारिश हो गई तो इंडिया की टीम डायरेक्ट खेले बगैर, इंग्लैंड को हराए बगैर, बदला लिए बगैर, डायरेक्ट जो है 29 जून को बारबाडोस में फाइनल खेलेगी। तो लेट सी बारिश होती है या नहीं होती, हम एज अ क्रिकेट फैन तो उम्मीद करते हैं कि फाइनल बारिश ना हो, मैच हो, जोन सी टीम अच्छा खेले वो जीते, जोन सी टीम अच्छा खेले वो जीते और जीत कर फाइनल में जगह बनाए। तो ये स्टैट्स से ये दोनों टीमों की परफॉर्मेंसेस थी, क्या किस खिलाड़ी ने क्या क्या किया है, कौन सी टीम ने क्या कुछ नहीं किया, वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और आप बताइएगा कौन सी टीम को आप सपोर्ट कर रहे हैं, आपके नज़दीक कौन सी टीम फेवरेट है, कौन सी टीम मजबूत है, कौन सी टीम फाइनल में जगह बना सकती है। मेरे से पूछें तो भाई 50-50 दोनों टीमें बराबर हैं, कोई भी जीत सकती है। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो इसी बात के साथ आज के व्लॉग से आपसे इजाजत चाहता हूँ, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।